और मैं ये कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ विनती कि विश्व गुरु और भगवान बनने से अच्छा है जो देश ने आपको बनाया है वो बन करके सही ढंग से देश के लोगों के लिए काम कर दीजिए। तीसरे बार की सरकार बनने के बाद अगर अभी भी आप इसी तरह घुमाते रहेंगे और देश को गर्त में ले जाते रहेंगे तो फिर तो जिम्मेदारी आपकी ही है। उसके जगह पे जब पीएम आवास की बात की गई, पीएम आवास हमारे यहाँ रोका गया। पीएम आवास भी अगर दे देते, वहाँ पीएम आवास बंद होने के बाद हम लोगों ने फिर हमारे यहाँ झारखंड में अपना आवास आबू आवास स्टार्ट किया। ऐसे कई योजनाओं में झारखंड को जो है आपका अनदेखा किया जा रहा है। मैं अपने पार्टी जेएमएम के तरफ से इस बिल को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तीसरी बार मैं इस सदन में आया हूँ और मुझे लगता है कि जितनी बार जीतते हैं वो जिम्मेदारी उतनी बढ़ती है, लेकिन 11वां बजट यहाँ पे पेश हुआ, मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के तरफ से बिल्कुल दिख नहीं रही है। हाँ, एक चीज़ बिल्कुल समझ में आई है सर, कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला जो 2AB एक्स्ट्रा AB वाला जो बहुत दिन से सुन रहे थे, इस बार आंध्र और बिहार को जो मिला है हमको समझ में आता है कि 2AB का समझ इस बार आया है। लेकिन आंध्र में बीजेपी लेड गवर्नमेंट द्वारा जितनी वहाँ पे नई सरकार बनने के बाद जितने लोगों को मारा गया, जितने लोग आपका जाके आत्मदाह किए, जितने लोग आपका सुसाइड किए, उसका भी आंकड़ा देखना चाहिए। आज 5 महीने के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री को रखा गया, लेकिन दोनों तरह का कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं कि चरित्र का, कि एक सरकार क्या करती है और हमारे यहाँ 5 महीना सरकार, हमारे CM अंदर रहने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वो ऑफिस रिज्यूम करके जनता के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। टैक्स स्लैब में जो घटाया गया है और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि चमत्कार हो गया है, सबसे हाईएस्ट पेइंग टैक्स सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। आप इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने के बाद जो चीज़ें खरीदते हैं उस पर टैक्स लगाते हैं, आप कुछ अपना कहिए बचत करना चाहते हैं उसमें आपका टैक्स लगता है, कुछ बेचना चाहते हैं उसमें टैक्स लगता है। इतना हाईएस्ट पेइंग टैक्स होने के बावजूद टैक्स स्लैब में जो कटौती की गई है, उसके बाद जो पीठ थपथपाई जा रही है, मैं तो कहूँगा इसको मैं चमत्कार ही कहूँगा। जिस तरह से GDP की बात हर बार की जाती है, सर GDP की समझ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जितना सुनता हूँ मुझे उससे समझ में आता है कि जो हमारे देश का पॉपुलेशन है और जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम रन करती है, हर प्रत्येक जो है आपका वर्ष या कहिए 5 साल में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होना चाहिए वो प्रेडिक्शन जो है यहाँ के जो है अर्थशास्त्री कर देंगे, और उसमें एक्सपर्ट यहाँ पे सदन के अंदर बहुत लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ का GDP क्या है, हमारे यहाँ जो है पब्लिक सेक्टर किस तरह से ग्रोथ कर रही है, क्या यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना हमारे यहाँ जो है जॉब क्रिएशन हो रहा है, इन सब चीज़ों पे अगर हम बोलेंगे, उसके बाद अगर कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ कुछ बढ़िया हो रहा है, तब हमको समझ में आएगा। पूरा का पूरा बजट इतने घंटों का सुन लिए, समझ में नहीं आया कि आखिर में क्या हो रहा है। तीसरे बार की सरकार बनने के बाद अगर अभी भी आप इसी तरह घुमाते रहेंगे और देश को गर्त में ले जाते रहेंगे तो फिर तो जिम्मेदारी आपकी ही है। झारखंड के तरफ से हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि सर माइनिंग में हम लोग आपका जाकर के देते हैं, पूरे देश को हर एक चीज़ देते हैं, जितना माइनिंग होता है और उसका जितना रॉयल्टी और जितना हमारा बकाया पड़ा हुआ है, कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं, वहीं अगर हमें मिल जाए तो हम अपना झारखंड का विकास कर लें। उसके जगह पे जब पीएम आवास की बात की गई, पीएम आवास हमारे यहाँ रोका गया। पीएम आवास भी अगर दे देते, वहाँ पीएम आवास बंद होने के बाद हम लोगों ने फिर हमारे यहाँ झारखंड में अपना आवास आबू आवास स्टार्ट किया। ऐसे कई योजनाओं में झारखंड को जो है आपका अनदेखा किया जा रहा है। और मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ की हेमंत सरकार से मुझे लगता है सीख लेनी चाहिए किस तरह से कल्याणकारी योजनाएं, 5 महीना जेल में रहने के बाद भी वो बाहर निकले और किस तरह से लगन के साथ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हर एक योजना निकाल करके देखें, उनसे सीखने की ज़रूरत है। बांग्लादेश का सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा था, क्योंकि मैं राजमहल लोकसभा से बिलोंग कर रहा हूँ और राजमहल लोकसभा का यहाँ पे नाम कई बार लिया गया, झारखंड में बांग्लादेशी प्रभाव का नाम लिया गया। थोड़ा सा वहाँ का इकोनॉमी और यहाँ का भी इकोनॉमी को भी हम थोड़ा समझाएं। बांग्लादेश सर, बंगाल और बांग्लादेश हमारे बगल में ही है, हमारे यहाँ से कई एक टन्स में जो है आपका हमारे यहाँ से पत्थर जाता है, वो पूरा का पूरा अपना सोर लाइन हमारे यहाँ के पत्थर से बना रहे हैं। आपका जाकर के पूरा का पूरा पूरे विश्व का क्लॉथ इंडस्ट्री वहाँ पे जाके बस गया है। वहाँ पे आपका GDP क्या है और हमारे GDP क्या है उसको समझ लीजिए, वहाँ से लोग हमारे यहाँ क्यों आएंगे। आज तो आपका जाकर जो इकोनॉमी बांग्लादेश की है, उल्टा जो है हमारे यहाँ से 2 लोग वहाँ नौकरी लेने के लिए जाएंगे। जो स्थिति यहाँ आप लोग देश की बना के रखे हैं, कोई जॉब क्रिएशन तो है नहीं।
दूसरा जो है कोविड के बाद से अभी तक जॉब क्रिएशन के साथ जो है एक तुलनात्मक बात होनी चाहिए कि कितने जॉब का नुकसान हुआ और प्रत्येक वर्ष आप कितने जॉब नए क्रिएशन किए, पुराने को पुराने में घुसाए नहीं, कितने नए जॉब क्रिएशन किए उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आंकड़ों का खेला खेल करके यहाँ पे सिर्फ पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और तो और हम कहेंगे कि बांग्लादेश की जहाँ तक बात की जा रही है, हमारे यहाँ से आपका गोड्डा में पावर प्लांट है, वहाँ पूरा का पूरा बदला बांग्लादेश के लिए बिजली जा रहा है और हमारे यहाँ देश या कहिए झारखंड के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो बांग्लादेश की स्थिति तो हमसे बहुत बढ़िया है। और मैं कहना चाहूँगा कि लगातार जिस तरह से झारखंड में माइनिंग हो रहा है, रेलवेज को हम लोग दे रहे हैं, उसके बनिस्पत जितना हम लोग को मिल रहा है उसका रिजल्ट आपको झारखंड के स्टेट से मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा कि जितना वहाँ के आदिवासी और गैर आदिवासियों ने झारखंड में जो है बीजेपी और बीजेपी अलायंस को नकारा है, इस बात से उनको अभी समझ में आनी चाहिए कि लगातार जो वो गलती कर रहे हैं उनको सुधारना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे बजट को अगर हम सर शुरू समय में ही खत्म करूंगा सर, घंटी आपने बड़ा जल्दी बजा दिया, कि पूरा का पूरा बजट देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ना ये युवाओं के लिए है, ना ये किसानों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है। और मैं ये कहना चाहूंगा हाथ जोड़ विनती कि विश्व गुरु और भगवान बनने से अच्छा है जो देश ने आपको बनाया है वो बन करके सही ढंग से देश के लोगों के लिए काम कर दीजिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी दी है उसको ठीक ढंग से पूरा कर लीजिए। तीसरे बार आप बैठे हैं, ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि बैठे हैं इस देश के लोगों ने अगर आपको बनाया तो जिम्मेदारी है। और भगवान का इतना नाम लेते हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं सर, पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया जाए देश का, जितने भी धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक इम्पोर्टेंस के ऐसे ऐसे आपके जाके MP सीट्स हैं, आपने सबको लूज किया है। ऊपर वाला जो आपको संदेश दे रहा है अगर वो भी आप नहीं समझ पाए तो हम लोग तो यहाँ इंसान बैठे हैं, हम लोग क्या समझा पाएंगे। बहुत बहुत